सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को ईजिली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 के बारे में, जो कि आज इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। तो ये सैमसंग के ऑन सीरीज में एक नया डिवाइस लॉन्च किया है सैमसंग ने यहाँ पर। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं तो इस फ़ोन की प्राइस रखी गई है 16,990 रुपीज़, मतलब 17,000 रुपीज़ इस फ़ोन की प्राइस रखी है इंडिया में। और ये फ़ोन आपको 6 अगस्त से मिलेगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो 6 अगस्त है, आप इसे फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या स्पेस देखने को मिलेगा, तो चलिए मैं आज आगे आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल दूँ, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी J8 को जानते हैं, मतलब J8 के स्पेस के बारे में जानते हैं, तो बस जो स्पेस आपको सैमसंग के J8 में देखने को मिलता है, सेम वही स्पेस आपको सैमसंग के ऑन 8 में देखने को मिलेगा। 6 इंच का HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमारा आपको देखने को मिलेगा, जो कि 19.5:9 स्क्रीन एक्सपर्ट के साथ आएगा। क्वालकॉम का Snapdragon 450 का चिपसेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 4 GB का रैम मिलेगा और 64 GB के यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसको आप माइक्रो एसडी कार्ड ला के 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। बैक में यहाँ पर आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा, 16+5 MP का डुअल रियर कैमरा, और फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको J8 में मिलता। मतलब फ़ोन वही है, जो मतलब दोनों ही फ़ोन सेम ही है, बस नाम चेंज करके यहाँ पर सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है। अगर हम लोग बात करें तो प्राइस में आपको लगभग 2,000 रुपीज़ का डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि J8 का प्राइस है 19,000 रुपीज़ और सैमसंग के O8 का प्राइस है 17,000 रुपीज़। लेकिन एक बात आपको ध्यान देने वाली ये होगी कि सैमसंग का O8 सिर्फ आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के ऊपर ही देखने को मिलेगा और सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिए कि आपको O8 ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो आपको O8 सिर्फ फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑनलाइन ही मिलेगा, तो अगर आपको लेना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और ऑफलाइन के बारे में आप लोगों को पता है कि सैमसंग का ऑन सीरीज ऑफलाइन मिलता ही नहीं है। तो अब मैं क्या बोलूँ इस फ़ोन के बारे में, अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन लेना है और अगर आपको लगता है कि ये सैमसंग के सबसे बजट डुअल कैमरा वाला स्मार्टफोन है, क्योंकि सबसे हायर तो सैमसंग का J8 था, जिसमें जिसका प्राइस लगभग 19,000 रुपीज़ था, तो ये लगभग सैमसंग की तरफ से लोएस्ट में आपको डुअल कैमरा दे रहे हैं यहाँ पर सैमसंग। तो ये एक बात अच्छी है, अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि उसको बाय करके आप लोगों की अनबॉक्सिंग और रिव्यू बहुत जल्द अपने चैनल में दे दूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस फ़ोन के बारे में जानकारी मिल जाए, और अगर वो भी सैमसंग का कोई अच्छा सा स्मार्टफोन देख रहे थे तो ये फ़ोन को देख के वो बाय कर पाए। 3500 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी मिलेगी, 3500 mAh की बैटरी आराम से आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। तो ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है, अगर आप लेना चाहते थे तो ले सकते हैं, फ़ोन काफ़ी अच्छा होगा बजट के हिसाब से। और आपको अगर सैमसंग की चाहिए तो सैमसंग ही चाहिए था तो ये ले सकते हैं, और इसमें आपको ब्रांड वैल्यू भी मिल जाएगा और सब कुछ इसमें आपको ठीक मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।